बेंगलुरु। बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज के एक पुरुष छात्र को मंगलवार 22 नवंबर को कॉलेज में महिला शौचालय में प्रवेश करने और महिला छात्रों के वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक आरोपी 21 वर्षीय शुभम आजाद पर पहले भी कॉलेज परिसर में ताक झांक करने के आरोप लगते रहे हैं। उसे अधिनियम में पकड़ा गया और सोमवार को गिरिनगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने महिलाओं को फिल्माने की बात स्वीकार की। कर्नाटक। नकली सोने के आभूषणों के बदले कर्ज लेने के आरोप में नगर पालिका परिषद केवीपी के बेटे सहित 3 गिरफ्तार। जब बैंक कर्मचारियों ने अपने मूल्यांकन को आभूषण दिखाया तो यह पता चला कि एक आरोपी द्वारा उत्पादित पीली धातु केवल 9% शुद्ध थी। 8 दिनों तक फरार रहने के बाद बेंगलुरु में 2 साल की बेटी की हत्या के मामले में पूर्व आईटी कर्मचारी गिरफ्तार। राहुल परमार, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ अपनी आईटी की नौकरी छोड़ दी थी, एक सहयोगी के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने के बाद कर्ज में डूब गए थे, उनकी पत्नी भाव्या ने एक पुलिस शिकायत में कहा। कर्नाटक पुलिस ने विभिन्न अपराधों के संदिग्धों या अभियुक्तों के लिए ब्रेन मैपिंग प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया है। क्राइम एंड टेक्निकल सर्विसेज के अतिरिक्त एडीजीपी आर हितेंद्र ने इस बारे में सभी पुलिस को एक सर्कुलर जारी किया है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। एनसीपी के अजीत पवार ने केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। अजीत पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि सुधाकर ने 27 जून को मरालुकुंटे गांव में एक सार्वजनिक समारोह में एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। कर्नाटक में चुनावी धोखाधड़ी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में याचिका दायर की। कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ निर्लज चुनावी धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके द्वारा मतदाताओं के डेटा को एक निजी संस्था द्वारा एकत्र और संग्रहित करने की अनुमति दी गई थी।